हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडिफिकेशन विद मनोज। और आज के वीडियो में हम लोग जो है क्रेटा वाले हॉर्न इंस्टॉल करेंगे अपनी i20 में। तो क्रेटा में ये देखिए अपने पास क्रेटा के हॉर्न है, मैं आपको इसका ओपन करके भी बताता हूँ। तो एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि क्रेटा में जो है ना दो टाइप के हॉर्न आते हैं। सबसे पहला एक आता है HIDGT जो ओल्ड क्रेटा में आती थी, और उसके बाद दूसरा आता है इनफेक्ट कंपनी का जो नए न्यू मॉडल क्रेटा में आते हैं। तो दोनों के साउंड में डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, समझ में आ जाएगा। अगर आपको हॉर्न के ऊपर कुछ अगर ज़्यादा और डिटेल में अगर कुछ चाहिए स्पेशली क्रेटा वाले हॉर्न्स पे, तो मैं आपको जो है ना एक दूसरे यूट्यूबर एक है उसका वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वो जाके चेक करना। आपको जो है हॉर्न का डिफरेंस भी आपको आ जाएगा, पता चलेगा। उसका एक वीडियो है जिसमें ओल्ड क्रेटा न्यू क्रेटा के हॉर्न में कैसा क्या फ़र्क है, उसका लिंक है नीचे। और बाकी दूसरे भी हॉर्न्स के भी आपको वीडियो के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। और मैंने भी कुछ अराउंड 3 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, काफ़ी सारे चार अलग अलग हॉर्न थे, उसमें लुमैक्स का था, टाइप आर का था और रूट्स का था और एक और हॉर्न था। तो उसका भी मैंने एक रिव्यू किया हुआ है सबके साउंड कैसे कैसे है, तो उसका भी एक लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो मेरा बहुत पुराना वीडियो है, तो उसमें भी आपको जो है ना हॉर्न के आपको साउंड आपको उसमें आ जाएगा कि किसे क्या क्या आते हैं। तो ये जो हॉर्न आते हैं ना, इसमें एक्चुअली बहुत सारी कंपनी आती है, ठीक है। आपको रूट्स आती है, मिंडा आती है, बॉश आती है, फिर बाद में बहुत सारी एक कंपनी से लोकल में भी आते हैं, CYT वाले भी हॉर्न बनाते हैं, तो मिंडा का भी आता है। तो इसमें सबके साउंड अलग अलग आते हैं, ठीक है, किसी का भी एक जैसे साउंड नहीं आएगा, सबका साउंड एक जैसे आएंगे। आप शॉप पे जाएंगे, बोलेंगे मेरे को क्रेटा का हॉर्न दो, वो दूसरा हॉर्न देंगे, बोलेंगे सेम ऐसे ही आवाज़ आएगा, लेकिन वो अलग ही साउंड आता है। इवन क्रेटा का जो दो टाइप के जो हॉर्न आते हैं, HIDGT का और एक आता है अपने दूसरा तो इनफेक्ट का, तो उसमें भी जो है उसका साउंड दोनों का अलग अलग है। मैंने जो लिया HIDGT का, एक्चुअली बहुत मुश्किल से मिला। ये मुझे कहाँ से मिला, OLXP से मिला, ठीक है। OLXP से एक बंदे से मैंने लिया था, उसके पास एक ब्रांड न्यू पीस था, एक जोड़ी था उसके पास, एक हाई टोन लो टोन था, तो मैंने उसके पास से लिया। बाकी मैंने शॉप पे कई जगह पे ट्राई किया तो मुझे नहीं मिला। और अगर आप सर्विस सेंटर पे जाके लेंगे तो वो लोग, अभी Hyundai का सर्विस सेंटर पे जाएंगे ना, तो वो लोग आपसे चेसी नंबर वगैरह मांगेंगे। आपके पास कोई दूसरा गाड़ी होगा और आपका चेसी नंबर देंगे तो वो आपको हॉर्न नहीं देंगे, अगर स्टॉक होगा भी तो वो लोग ऐसा नहीं देंगे। तो आपको कहीं से जुगाड़ करके कुछ ना कुछ ऐसा करवाना पड़ेगा। तो मैंने एक ही बॉक्स में दोनों रखा है, ऐसे दो बॉक्स आते हैं, एक हाई टोन होता है, एक लो टोन होता है। तो ये देखिए, ये दिखने में एक्चुअली छोटा साइज़ है, तो मैंने भी ऐसे देखा है। तो और बाकी जो दूसरे हॉर्न्स आते हैं ना, रूट्स के आते हैं ना, थोड़े से बड़े आते हैं। रूट्स में दो वैरायटी आती है, एक छोटा साइज़ भी आता है और एक बड़ा साइज़ भी आता है। ये इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा वाला है, ये HIDGT का। इसमें आपको जो ना यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे HIDGT लिखा हुआ रहता है और इसका मॉडल नंबर भी यहाँ पे लिखा रहता है। मैं इसका सीरियल नंबर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आपको ऐसा परचेस करना हो तो ये वाला सीरियल नंबर से आप परचेस कर सकते हैं। इसका हाई टोन का सीरियल नंबर अलग है और लो टोन का सीरियल नंबर अलग है, और जो इनफेक्ट वाला जो आता है उसका भी सीरियल नंबर अलग अलग आता है। तो ये दो हॉर्न है, ये एक हो गया और एक दूसरा ये वाला। तो ये रहा, ये हाई टोन लो टोन है और इसका साउंड, इसका बहुत भारी साउंड है, बहुत ज़बरदस्त साउंड है। मैंने इसको ऐसे ही खाली, मैंने इसको टेस्टिंग किया था, लेकिन इसका साउंड उसका बहुत ज़बरदस्त है। इसका एक प्रॉब्लम है, इसका जो है ना ये कनेक्टर, इसके अलग टाइप के कनेक्टर है, इसमें ये कनेक्टर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इसमें जो है ना आपको जो इसका जो थिम्बल होते हैं ना, ये आपको गैरेज शॉप पे, नहीं तो फिर आपको गैरेज ये कार के जो स्पेयर पार्ट के शॉप होते हैं उसके पास आपको मिल जाएगा। जो हॉर्न की जो क्लिप आती है ना वैसी रहती है, पतली वाली हॉर्न की क्लिप है जो यूजुअली एक्टिवा के स्विचेस में रहती है वो वाली, तो वो मिल जाएगी आपको अलग से। तो अब उसके अंदर आपको वायर आपको खाली क्रिम्प करना पड़ेगा, उसको टेप लगा के अब इसके अंदर इसके अंदर डाल दीजिए तो ये बैठ जाएगा। इसमें एक्चुअली यहाँ पे एक और पट्टी होती है, ऐसी एक और पट्टी होती है, वो नहीं मिली, लेकिन ठीक है चलेगा, वो अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है वो पट्टी की। तो ये डायरेक्टली जो मेरे जो पुराने जो सेटअप है ना उसके अंदर ही मुझे ये हॉर्न निकाल के उसको डालना है और ये थिम्बल लगा के करना है। तो मैं आपको ना साउंड सुनाता हूँ, जो अभी जो मैंने लगाया हुआ है ना, ये एक्चुअली अलग कंपनी है, ये ए क्लास करके कंपनी आती है, जिसका मैंने स्क्रीन लगाया हुआ है, जिसका स्पीकर इंस्टॉल किया हुआ है ना, तो वही कंपनी का हॉर्न है। तो मैं आपको उसका हॉर्न सुनाता हूँ पहले, उसके बाद जब इंस्टॉलेशन के बाद जब ख़त्म हो जाएगा ना, तब मैं आपको इसका साउंड सुनाऊंगा। दोनों का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और वैसे भी ये क्रेटा का जो हॉर्न है ना, इसका एकदम बहुत ही ज़्यादा, इसका साउंड बोलेगा तो एकदम कुछ अलग ही टाइप का साउंड है, क्योंकि साउंड ऐसा है ना कि इसका हॉर्न बजाएंगे ना तो पता चल जाता है कि भाई क्रेटा आ रही है।
लेकिन चलो ठीक है, अपन तो अपने i20 में लगा रहे हैं। ठीक है चलो, फिर मैं आपको अभी इसका साउंड सुनाता हूँ और फिर बाद में इसको अपन इंस्टॉलेशन करेंगे। इंस्टॉलेशन जो है अपना जुगाड़ वाला काम है, क्योंकि अगर ये आप किसी भी आप दूसरी गाड़ी में अगर आप लगा रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं पे आपको अटैचमेंट ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पे आपको लगाना है, फिटिंग करना है, वायर आपको तो हो सकता है आपको लंबा करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा, कुछ भी है तो आपको करना पड़ेगा और आपको ये रिले लगेगा। तो ये हॉर्न है यहाँ पे और आपको इसका साउंड सुनाते हो। दौड़े तो ये इसका साउंड है, एक इधर है और एक यहाँ पे अंदर है। अभी आपने इसका क्रेटा लगाते इधर, तो ये क्रेटा का हॉर्न अभी यहाँ पे लगा दिया है और अपने पास यहाँ पे खाली एक ही हॉर्न का स्पेस था, क्योंकि ये पुराने i20 है तो इसमें खाली एक ही हॉर्न यहाँ पे आता था, तो दूसरा वाला हॉर्न जो है इसको यहाँ पे जुगाड़ करके लगा दिया है। तो अभी इसका साउंड आपको बताता हूँ। ठीक है छोड़, एक और गाड़ी छोड़ दे खाली हम उसको। तो ये देखा, ये साउंड था, अजून क्या करना। तो ये है क्रेटा का साउंड है और ये HIT GT वाला हॉर्न है। अगर इसमें इनफेक्ट वाला लगा देंगे तो ये उसका साउंड थोड़ा सा और अलग हो जाएगा। अब इसको काम करते हैं, बोनेट बंद करके वापस एक बार आपको और साउंड बताता हूँ। बाजू